हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 100 और 1000 के जो करीब वाली संख्या हैं उनका गुणा हम बहुत ही कम समय में किस तरह से कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में। तो पहले हम 100 के करीब वाली संख्याओं का गुणा करेंगे, जैसे 105 हो गया और 107 हो गया। इसमें 5 ज़्यादा है, इसमें 7 ज़्यादा है। तो अब इन संख्याओं को हमको भूल जाना है, यही संख्याएं हमारी काम की है। आधार कितना है, किसके करीब है, 100 के करीब है ये सारी संख्या। तो 100 में इनको जोड़ेंगे, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। 100 में जोड़ेंगे 12, 7 और 5 तो 112 हो जाएगा, और इनका गुणा करेंगे, 7 5 35। ध्यान रखना है कि आखिरी में 2 डिजिट आना चाहिए जब इनका गुणा करें, तो 2 डिजिट। यदि सिंगल आया तो फिर 1 जीरो लगानी पड़ेगी इस तरह से, और यदि 3 आ गई तो फिर 1 इधर हासिल का जाएगा। जैसे कम आ गई तो क्या करेंगे, 102 है और 103 है, इसमें +2 ज़्यादा है, इसमें +3 ज़्यादा है, क्या करेंगे, इन संख्याओं को भूल जाएंगे। आधार 100 है, 100 में इनको जोड़ेंगे, 3 2 5, तो आधार में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 105 हो जाएगा, और 3 2 6, तो सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, 1 जीरो लगाएंगे, 2 डिजिट में लिखना है। 3 2 6 आया, पर लिखेंगे 2 डिजिट में, तो 06 लिखेंगे, ठीक है। 100 से कम आई, मतलब ऐसी संख्याएं जो कि आधार से कम हो, ये आधार से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, कम हो, जैसे 98 और 98 के बाद 97 या 96, ये 2 कम है, ये 4 कम है, क्या करेंगे, 4 2 8, पर 4 2 8 आया, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। आधार 100 है इसलिए 2 डिजिट में, आधार 1000 हो तो 3 डिजिट में लिखेंगे, आखिरी में 3 डिजिट गुणा करने पर। 4 2 8, प्लस का 8 होगा, माइनस माइनस का है तो प्लस का 8 होगा, 4 2 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस है तो 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, पर आधार में से घटेगा, माइनस का 6 है तो आधार में से घटेगा, तो क्या होगा, 94 हो जाएगा। 4 और 2 6, 100 में से घटेगा तो 94, इस तरह से। अब मान लो संख्याएं ऐसी हुई कि एक आधार से ज़्यादा और एक आधार से कम, जैसे 105 है और ये 100, या फिर आधार से कम मतलब 98, तो क्या करेंगे, इसमें +5 ज़्यादा और इसमें -2 कम है। पाँच दूना 10, गुणा करेंगे, 5 2 10, माइनस का 10 आया, अब उसको आधार में से घटा के लिखेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद फिर उसको आधार में से घटाएंगे, तो 5 2 10, आधार में से घटाएंगे तो 90 आएगा, 2 डिजिट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस में इनका प्लस करेंगे, माइनस के 2 को 105 में प्लस करने पर क्या होगा, 103 आएगा, जिसको क्या करेंगे, 103 है तो 102 लिखेंगे, 1 कम लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा उससे 1 कम, जैसे, या तो फिर इसको भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी, या तो इनसे आंसर आएगा या तो इनसे आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा,
इन दोनों को सोल्व करते हैं, 98 और 5 कितने हो गए, 103। तो 103 नहीं लिखेंगे, 102 लिखेंगे, सॉरी 102 लिखेंगे, एक कम लिखेंगे। इस तरह से ये आंसर हो गया। पहले गुणा करेंगे 5 × 2 = 10 आधार में से घटाएंगे और फिर लिखेंगे। लिखना दो डिजिट में है, 1000 हो तो 3 डिजिट यूज़ करेंगे, जैसे 1000 को आधार मानकर 7×5 = 35, दो डिजिट है, एक और 1000 है यदि आधार तो 3 डिजिट। आधार 1000 है, उसमें जोड़ देंगे जितना भी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है इधर, 5 ज़्यादा है, 7×5 = 12, 1012 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह से कम वाली संख्याओं का भी करेंगे, जैसे 998 हो गया, 995 हो गया, माइनस का 2 ले लेंगे, इधर कितना कम है, माइनस का 5 कम, क्या करेंगे, आधार 1000 है उसमें ये प्लस करेंगे, तो 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 = 7, पर 7 माइनस का आएगा, उसको 1000 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 993 आएगा। इनको जोड़कर आधार से घटाएंगे तो 993 आया, इनका गुणा कर देंगे, 5×2 = 10, दो डिजिट में आया लेकिन 3 डिजिट लिखना है अपने को आखिरी में, लास्ट डिजिट। ये आंसर हो गया इस तरह से।